हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और कोच हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको नकारात्मक सोच के बारे में बोला था। नकारात्मक सोच अंतर्मन में जो बैठी हुई है उसके बारे में मैंने काफी सारा कहा था। अभी मुझे आपको ये बताने का है कि अंतर्मन में जो एक पक्का विचार रहता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे और वहां से हमारा बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। अंतर्मन में कंटिन्यूअसली एक शरीर का कुछ ना कुछ विचार चालू रहता है, ऐसा मैंने बोला। जैसा मैंने कहा कि 600 से 800 शब्द एक मिनट में हमारे दिमाग में चालू रहते, मतलब इतने थॉट्स या इतने शब्द दिमाग में चालू रहेंगे अंदर, और 200 से 300 हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं पर मिनट, एक मिनट में। अब ये इतना फास्ट अंदर चालू है, अंदर इतने फास्ट इतने तेजी से विचार चालू है, और वो सब विचार क्या है? ये ऐसा व्यक्ति क्यों है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, यानी हमारा पूर्वग्रह दूषित लोगों के तरफ देखना होता है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये तो बहुत गुस्से वाला है, इसने ऐसा किया ही क्यों, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ऐसा करना चाहिए था, नहीं ये संभव है, ये संभव नहीं है, ये मैं कर सकता हूँ, ये वो नहीं कर सकता, ये वो कर सकता है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली एक मत अपना चालू रहता है, एक विचार चालू रहते हैं, कंटिन्यूअसली एक शरीर का दिमाग में विचार चालू रहते हैं। और वो पूरे विचार यदि हम इकट्ठा देखें तो वो बोल भी नहीं सकेंगे बाहर, क्योंकि हम लोगों को इतना जजमेंट इवेल्युएशन बार बार करते रहते हैं। यदि अंदर एक माइक्रोफोन बिठा दिया ना, दिमाग के अंदर माइक्रोफोन बिठा दिया और वो जोर से बाहर क्या चल रहा है वो लोगों को सुनाया, तो अपन सुन भी सकेंगे नहीं, ऐसे विचार दिमाग में लोगों के बारे में आते। इसका मतलब हम जो विचार दिमाग में आ रहे हैं लोगों के बारे में, स्थिति के बारे में, घटना के बारे में, स्पेशली लोगों के बारे में, रिश्तों के बारे में, वो हम बाहर बोलते नहीं, हम सीधी बात नहीं करते। हम बात कौन सी करते हैं कि लोगों को जो अच्छा लगेगा वो, मैं बात कौन सी करता हूँ कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा बोलूँ तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा चलूँ तो लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसा मत दिया तो लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसा ड्रेस पहना तो लोग क्या कहेंगे, यानी लोग क्या कहेंगे, इसके अंदर ही मेरा पूरा जीवन चालू है। जी अपने घर में शादी है, लोग खर्चा नहीं कर सकते, तभी भी लोग लाखों रुपया शादी के ऊपर खर्चा करेंगे, क्योंकि समाज में लोग क्या कहेंगे यदि शादी में लोगों को बुलाया नहीं तो। हमारे यहाँ एक असिस्टेंट है डॉक्टर, तो उसके पिताजी मर गए, पिताजी मर गए, उसको उसका दुख नहीं था। अभी 13वीं में कम से कम 1000 लोगों को वो गांव में बुलाना पड़ेगा और 13वीं में उनको मीठा खाना खिलाना पड़ेगा, उसके लिए मैं अभी पैसा कहाँ से लाऊं, उसकी चिंता उसको ज्यादा थी। लोग क्या कहेंगे, समझो 13वीं को, 13वें दिन मैंने लोगों को नहीं बुलाया तो लोग क्या कहेंगे। हम कर्जा निकालेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे क्योंकि लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को हम बड़े बड़े प्रेजेंट्स देंगे, तो नहीं तो फिर लोग क्या कहेंगे। मतलब हमें जो संभव नहीं है वो भी हम लोगों को बताने के लिए, लोगों को अच्छा देखने के लिए, लोगों के सामने अच्छा पेश आने के लिए कुछ भी हम करने को तैयार रहते हैं। अंत यात्रा में हम जाते हैं तो काफी सारे लोग इसलिए जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, नहीं गए तो, कोई व्यक्ति मर गया तो हम नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे, जाना पड़ता है, बैठक में जाना पड़ता है, बैठने के लिए जाना पड़ता है, दुख हो गया ऐसा बताना पड़ता है, मेरा बच्चा बड़े स्कूल में जाना चाहिए, इंटरनेशनल स्कूल में जाता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, स्टैंडर्ड स्कूल में जाता है, जो स्कूल की फी लाख रुपया, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये साल की है, वहाँ जाता है,
तो वो मेरा स्टेटस है, स्टेटस सिंबल है कि नहीं मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरा बच्चा बड़े स्कूल में जाता है। बच्चे को मार्क मिल गए तो, मार्क कम मिल गए तो मेरा स्टेटस कम हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। इसलिए बच्चे ने मेरा स्टेटस बढ़ाने के लिए, मुझे मेरे सोसाइटी में, मेरे बाकी समाज में बताने के लिए कि नहीं मेरा लड़का, उसको अच्छे मार्क मिले, मतलब लड़कियों को क्या हो रहा है उसकी उसकी चिंता मुझे नहीं है, उसको अच्छे मार्क मिलना चाहिए ताकि ताकि मेरा स्टेटस बढ़ जाए समाज में। तो उसमें भी लोग क्या कहेंगे, पूरी जिंदगी हमारी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इसमें है, और उसके अंदर ही हम जीते रहते हैं। और फिर हमारा पूरा सेल्फ एक्सप्रेशन निकल जाता है, हमारा हमारी आत्म अभिव्यक्ति जो है, मतलब ओरिजिनल जो हमारा सेल्फ है, ओरिजिनल जो मैं हूँ, वो सब दबोच दबोच के रह जाता है। मेरा स्माइल भी है वो प्लास्टिक स्माइल जैसा है, मतलब बताना पड़ता है कि मैं खुश हूँ। हम कहीं जाते हैं, लोगों को पूछते हैं तुम्हें कैसे हो, तो बहुत अच्छा है बोलते हो, अंदर से पूरी बैंड बच चुकी है। तो बाहर से लोग बोलेंगे मस्त चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो पूरा जीवन जब हमारा लोग क्या कहेंगे इसमें है, एलके के, हम बोलते हैं एलके के सिंड्रोम, ना लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। यदि हम इसको वर्तमान में उसको मौजूद हो जाते हैं कि नहीं मैं वहां से आ रहा हूं, मेरा जीवन पूरा व्याप्त है वो विचार से कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर मैं उसको बाजू में रख सकता हूं। तो फिर मैं, मेरा जो मूलतः मेरा स्वभाव है, जो ओरिजिनल मैं हूं, वैसा मैं बर्ताव कर सकता हूं, वो एकदम फ्री है। जैसा मुझे लगता है वैसा मैं जीऊंगा। लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहेंगे, मतलब इसके लिए मैं नहीं जीऊंगा। हम तो बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करने देते क्योंकि हमको हमारा स्टेटस बताने का है, तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या बनने वाला है, इसलिए मैं उसको डॉक्टर बना रहा हूं। तो यहां से मुझे प्रेजेंट हो गए कि हमारा पूरा जीवन ये विचारों से व्याप्त है, और कहाँ कहाँ हम लोग क्या कहेंगे यहां से हमारा बर्ताव कर रहे हैं, तो हमको इसमें आजादी मिलेगी, हम एकदम फ्री हो जाएंगे, हल्का हो जाएगा। कि जो बोझ है हमारे ऊपर वो पूरा वो है कि सुबह से शाम तक आप कुछ भी आपका बिहेवियर ले लो, आपका बर्ताव कुछ भी देख लो, जो भी बर्ताव आप कर रहे हैं, बस वो वहीं से आ रहा है कि लोग क्या कहेंगे। तो इसको हम यदि मौजूद हो जाते हैं, इसको यदि प्रस्तुत हो जाते हैं, तो फिर वहां से हम बर्ताव नहीं करेंगे, दिमाग से बर्ताव नहीं करेंगे, जो उचित है वो करेंगे, जैसा अच्छा लगता है वैसा करेंगे, जैसा करना चाहिए वैसा करेंगे, ना कि लोग क्या कहेंगे वैसा बर्ताव करेंगे, वैसा नहीं हो। तो इसमें फिर संभव है, अच्छा जीवन जीना संभव है, फ्रीडम संभव है, शक्तिशाली रूप से जीना संभव है। हम सीधी बात भी नहीं करते, हम सीधी बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, किसने कुछ बोला तो हम उसको रीजन देंगे, कारण देंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे मुझे करना नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे जैसे मैं, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि मैं करूंगा नहीं है, मैं कुछ तो भी कारण दूंगा और टाइम पास कर दूंगा। तो आज से हम ये देख लेंगे आपके जीवन में, आप देखो आज से हम ऐसा बर्ताव करेंगे कि जो एक्चुअली लगता है वैसा जीवन जीएंगे, ताकि बहुत फ्रीडम का, आजादी का जीवन होगा, और एक जीवन आनंददायी, खुशियों का जीवन भरा होगा। तो आप ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे, बाय बाय।